क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर टू जीत जाता तो क्या होता? अगर हाँ तो आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि हिटलर अगर ये 10 गलतियाँ नहीं करता तो शायद आज पूरे वर्ल्ड पर हिटलर का कब्जा होता और नाजी जर्मनी वर्ल्ड का इकलौता सुपर पावर होता। हिटलर की पहली गलती ये थी कि साहब काफ़ी जल्दी में थे, प्रिपरेशन पूरी होने से पहले ही वो बैटल फील्ड में कूद गया। मैं मानता हूँ कि उस वक्त जर्मन आर्मी वर्ल्ड की सबसे वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड आर्मी थी, बट मॉडर्न वॉर्स में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लैंड फोर्स होना काफ़ी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स और नेवी का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। पर जर्मन एयरफोर्स और नेवी तो 1935 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और 39 में तो हिटलर ने वर्ल्ड वॉर चालू ही कर दिया। इसका मतलब कि जर्मन एयरफोर्स और नेवी के पास केवल 4 साल थे वॉर की तैयारी करने के लिए। अगर मिस्टर हिटलर थोड़ा रुक जाते और क्रेग्स मरीन और लुफ्टवाफा यानी कि जर्मन नेवी और एयरफोर्स को एटलीस्ट 10 साल का वक्त दे देते डेवलप होने के लिए, तो शायद दुनिया आज कुछ और होती। हिटलर की दूसरी बड़ी गलती ये थी कि वो 2 अलग अलग फ्रंट्स पे एक साथ लड़ रहा था, एक तरफ ब्रिटेन और यूएस से और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन से। अब भाई आप एक बार में सबको थोड़ी हरा दोगे, एक एक करके निपटते तो कोई बात थी, पर हिटलर शायद वॉर में अपनी इनिशियल सक्सेस के बाद अंधा हो गया था। उसने बिना ब्रिटेन को पूरी तरह से हराए ही सोवियत यूनियन को अपना दुश्मन बना लिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये बात गौर करने वाली है कि वर्ल्ड वॉर टू के इनिशियल फेजेस में सोवियत यूनियन और नाजी जर्मनी के रिलेशंस काफी अच्छे थे। दोनों देशों ने एक नॉन अग्रेशन पैक्ट भी साइन कर रखा था मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट के नाम से, और इसके अलावा स्टालिन को वेस्टर्न डेमोक्रेसी से इतनी कुछ खास हमदर्दी नहीं थी कि वो उनके लिए वर्ल्ड वॉर टू में कूद जाता। पर हिटलर ने जबरदस्ती सोवियत यूनियन को छेड़ा और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर उसे किसी को इन्वेड करना ही था तो उसे ब्रिटेन को इन्वेड करना चाहिए था, ना कि सोवियत यूनियन पे। और ब्रिटेन को जब वो पूरी तरह से हरा लेता तब उसे फोकस करना चाहिए था यूएसएसआर पे। हिटलर की तीसरी गलती थी सोवियत यूनियन को अंडर एस्टिमेट करना। अरे भाई, बेल्जियम और नेदरलैंड्स की तरह यूएसएसआर कोई छोटी मछली थोड़ी था जिसे निगल जाओ और वो गले में अटके भी ना। देखा है कितना बड़ा देश था यूएसएसआर। अगर हिटलर ने नेपोलियन के बारे में पढ़ा होता तो शायद रशिया को वो अकेला छोड़ देता, क्योंकि नेपोलियन ने भी हिटलर की तरह रशिया को छेड़ने की गलती की थी, जिसके बदले में उसने अपना पूरा साम्राज्य गंवाया था। दोनों ही लोगों ने रशिया की ठंड को काफी अंडर एस्टिमेट किया, जो कि फॉरेन इन्वेडर्स के लिए काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। इसलिए चाहे रशिया शुरुआत में लड़ाई हार रहा हो, पर जैसे ही ठंड शुरू होती है रशिया का पलड़ा भारी होने लगता है। चौथी गलती थी डंकर्क में हिटलर की जिद। तो हुआ यूं कि फ्रांस को कब्जाने के बाद हिटलर की आर्मी ने 350,000 ब्रिटिश फोर्सेस को डंकर्क नामक एक जगह पर घेर लिया था। अगर हिटलर अपने जनरल्स की बात मान लेता और पैंजर डिविजन्स को अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने देता तो शायद वो भारी मात्रा में ब्रिटिश ट्रूप्स को बंदी बना पाते, पर उसने अपने जनरल्स की ना सुनकर पैदल सिपाहियों को ब्रिटिश ट्रूप्स के पीछे भेजा, जो कि पैंजर ट्रूप्स के मुकाबले काफी धीरे ट्रैवल करती थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन को अपने ट्रूप्स को डंकर्क से निकालने का मौका मिल गया। हो सकता है अगर हिटलर उन 350,000 सिपाहियों को कैद कर लेता तो ब्रिटिश सरकार उनकी आजादी के बदले सरेंडर करने को तैयार हो जाती। हिटलर की पांचवी और सबसे बड़ी बेवकूफी थी जर्मन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम को ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देना। हिटलर ने जर्मनी के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा पोलैंड के इन्वेजन को इम्पोर्टेंस दी और कई नाजी साइंटिस्ट को आर्मी में भर्ती करवा दिया, जिसकी वजह से जर्मनी का न्यूक्लियर प्रोग्राम ठंडा पड़ गया और अमेरिकन जर्मनी से पहले एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर पाए। जर्मन साइंटिस्ट वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआती दौर में अमेरिकन से आगे थे, पर इस प्रोग्राम पे ध्यान ना देने की वजह से अमेरिकन ने पहले एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर लिए। हिटलर की छठी गलती थी ब्रिटिश एयरफील्ड्स और एयर बेसिस की जगह ब्रिटिश सिटीज पे बॉम्ब गिराना। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस ब्रिटेन को अच्छा खासा वक्त मिल गया अपने एयर बेसिस और एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने के लिए, जिसकी बदौलत ब्रिटेन की एयरफोर्स जर्मन एयरफोर्स को हराने में सफल हो पाई। अगर जर्मन एयरफोर्स ब्रिटिश एयरफील्ड्स और बेसिस को बॉम्ब करती रहती तो ब्रिटेन कभी रिटालिएट कर ही नहीं पाता। हिटलर की सातवीं गलती थी होलोकॉस्ट करवाना। 6 मिलियन ज्यूस को टॉर्चर करना और मार देना हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी। उसने ज्यूस पर टॉर्चर करके पूरी दुनिया को अपने अगेंस्ट कर लिया। हिटलर की आठवीं गलती थी कि उसने यूएस को अपना दुश्मन बना लिया उस पर वॉर डिक्लेयर करके। भाई के लिए पहले का ड्रामा काफी नहीं था कि उसने एक और भसड़ में अपना सर दे मारा। अरे अगर जापान और अमेरिका आपस में वॉर खेलना चाहते हैं तो खेलने दो, तुम्हें क्या जरूरत है उसके बीच में घुसने की। जैसे जापान ने सोवियत यूनियन पे वॉर डिक्लेयर नहीं करी थी, वैसे ही हिटलर भी चाहता तो यूएस से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सकता था और अपना पूरा फोकस सोवियत यूनियन पे डाल सकता था। भाई अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं 9वें रीजन की तरफ। हिटलर की 9वीं गलती थी कि वो मिलिट्री टैक्टिक्स और कैंपेन्स में दखल देने लगा था। अगर आप पेशे से एक आर्टिस्ट हो और किस्मत से जर्मनी के डिक्टेटर बन गए हो तो उतने में खुश रहो ना यार, बट नहीं, भाई को तो मिलिट्री जनरल भी बनना था। रोमेल, एरिक वॉन मैनस्टीन और गोरिंग जैसे वेटरन्स के रहते हुए अगर कोई एक नौसिखिया आर्मी की कमांड संभालेगा
तो और क्या ही परिणाम होगा। कई सोर्सेस तो ये भी बोलती हैं कि वॉर के अंतिम फेजेस में एलाइड ट्रूप्स ने हिटलर को इसलिए असैसिनेट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसके द्वारा लिए गए उल्टे सीधे मिलिट्री डिसीजंस एलाइड फोर्सेस के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे थे। एक अंतिम गलती जो हिटलर ने और की थी वो थी कि उसने सोवियत यूनियन के इन्वेजन के वक्त अपने जापानी दोस्तों से कोऑर्डिनेट नहीं किया, जिसकी वजह से यूएसएसआर साइबेरिया से रीइन्फोर्समेंट्स मंगवा पाया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जर्मनी सोवियत यूनियन को भी हराने में सफल हो जाती। अगर जापान और जर्मनी दोनों एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करते सोवियत यूनियन पर तो शायद यूएसएसआर को संभलने का वक्त ही नहीं मिलता क्योंकि उसे दो फ्रंट्स पर लड़ना पड़ता, जो किसी भी देश के लिए वॉर में सबसे वर्स्ट सिनेरियो होता है। दोस्तों यही थी हिटलर अंकल की 10 सबसे बड़ी गलतियां जो उनको ले डूबी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो कर दो लाइक एंड शेयर। वेट किस बात की है, एंड रुको रुको कमेंट में बताते जाना कि आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती हिटलर ने कौन सी की थी।